डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट स्पीच ऑन डिफॉरेस्टेशन इन हिंदी। सम्मानित प्रधानाचार्य महोदय, उप प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षक गण और मेरे प्रिय छात्रों, आप सभी को मेरी ओर से नमस्कार। मैं स्मृति कौशिक, कक्षा 12वीं से आप सभी का अधिक पेड़ लगाएं अभियान में दिल से स्वागत करती हूं। वनों की कटाई नामक विषय पर मेरे भाषण को शुरू करने से पहले मैं हमारे सम्मानित प्रधानाचार्य महोदय, उप प्रधानाचार्य महोदय और शिक्षक गण का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जिन्होंने इस अभियान को शुरू करने से पहले इसके सफल निष्पादन के लिए अपना समर्थन दिया। मैं अपने साथी छात्रों का भी हर समय इसके लिए इतना सक्रिय और सहयोगी बने रहने के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। क्योंकि हमारा अभियान अधिक से अधिक पेड़ों को लगाने और हमारे पर्यावरण को संरक्षित करने के बारे में है, तो इस अभियान के आयोजक के रूप में मैंने वनों की कटाई नामक विषय को संबोधित करना बेहद महत्वपूर्ण माना। आप सभी जानते हैं कि वनों की कटाई पेड़ और वन भूमि को सफाया करने के बारे में है, जो हमारे पर्यावरण के लिए बेहद विनाशकारी है। यदि हम बिना पेड़ लगाए उन्हें काटते हैं तो यह अभ्यास पूरी तरह से व्यर्थ है। इस अभियान को सफल बनाने के लिए हमें पहले इस तरह की जघन्य गतिविधियों पर रोक लगानी होगी और मनुष्य को हमारी प्रकृति को नष्ट करने से रोकना होगा। वनों को अक्सर इसलिए संरक्षित किया जाता है क्योंकि वे प्राकृतिक आपदाओं के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करते हैं। जब वन क्षेत्रों को नष्ट किया जाता है तो मिट्टी भी खराब हो जाती है और इस प्रक्रिया को मिट्टी का कटाव कहा जाता है। पेड़ कार्बन अनुक्रमण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब पेड़ सड़ जाता है या इसे जलाया जाता है तो उसमें मौजूद कार्बन वायुमंडल में गैसीय रूप यानी कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में वापस चले जाते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है, तो वनों की कटाई की प्रक्रिया ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देती है। अफसोस की बात यह है कि उष्णकटिबंधीय वनों की कटाई विश्व ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की दिशा में लगभग 20% योगदान देती है। अगर हम अपने पर्यावरण की ओर योगदान देना चाहते हैं और इसे हमारी अगली पीढ़ी के लिए संरक्षित करना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है। बेशक कोई भी गैरकानूनी या अनैतिक गतिविधि यानी पेड़ों को काटना और वन भूमि का सफाया होने से रोका जाना चाहिए। पेड़ इस धरती पर जीवित प्राणियों को बनाए रखने में मदद करते हैं। उनसे न केवल हमें सब्जियां, फल, जड़ी बूटियां आदि मिलती हैं, बल्कि मनुष्य को जीवित रहने के लिए सांस लेने हेतु शुद्ध हवा और ऑक्सीजन भी मिलती है। तो आइए इस अभियान में प्रतिज्ञा लें कि हम अपने जीवन में अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे और साथ ही साथ हमारी प्राकृतिक संपत्ति के संरक्षण में भी मदद करेंगे। धन्यवाद। Thanks for watching. Please like, share and subscribe.